नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज आपको एक बहुत ही अनोखा सीधा विधान बताऊंगा, जिससे उन लोगों का बड़ा भला होगा जो मुझे ये बोलते हैं कि गुरुजी कोई भी साधना कर लो सफल नहीं होती। जब देवताओं की बात आती है तो इंद्रदेव देवताओं के राजा हैं। जैसे शेर जंगल का राजा होता है, वैसे इंद्रदेव देवताओं के राजा हैं। मैंने ये कंपैरिजन क्यों किया, शेर न चीता जैसा तेज दौड़ पाता है, न हाथी जैसा बड़ा होता है, न लोमड़ी जैसा चालाक होता है, लेकिन फिर भी वो जंगल का राजा है। उसी तरीके से इंद्रदेव ना पांच जो पंच देवता है उनसे ऊपर है, न पंच तत्व से ऊपर है, लेकिन देवताओं के राजा है। लेकिन इनकी एक खासियत है, जो बाजीगर का एक कंसेप्ट आया ना कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, इंद्रदेव की कोई भी कथा सुनोगे तो उसमें ये हार ही जाते हैं, हार करके पंच देवताओं के पास जाते हैं और फिर पंच देवता इनके बदले युद्ध करते हैं और ये युद्ध जीत जाते हैं। इनको कई बार श्रापित किया गया और हर बार ये श्राप से मुक्त हो गए। तो ये इनकी खूबी को दर्शाता है। आज जो मैं आपको साधना बताऊंगा वो बहुत ही छोटी सी साधना है, बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली है और उसका आप प्रयोग हर एक मंत्र हर एक साधना के बाद कर सकते हैं। इस साधना में हम लोग इंद्रदेव की इसी खूबी का लाभ लेंगे कि अगर हम जीवन में किसी प्रयोग में सफल नहीं हो रहे हैं तो इंद्रदेव की मदद से उसको हम सिद्ध कर लेंगे। देखो, मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण, ठीक है, इसमें मारण नहीं करना चाहिए किसी का, उच्चाटन नहीं करना चाहिए। मोहिनी और वशीकरण अपने लाभ के लिए आप कर सकते हैं, जिसमें किसी का अहित ना हो और उसका क्या दायरा है ये मैंने आप लोगों को बता के रखा है, ठीक है। इसके अलावा व्यापार में वृद्धि हो या शाप में मुक्ति हो, इसके लिए भी इंद्रदेव की साधना का प्रयोग किया जाता है। इंद्रदेव की साधना का जो मेन लूप होल है या जो भी मजबूती है वो ये है कि इंद्रदेव का जो ये मंत्र है ये अकेले नहीं चलता है। मतलब आपने कोई अगर साधना उठा रखी है तो उस साधना को पूर्ण करने के बाद या उसके जाप को पूर्ण करने के बाद पीछे से इस मंत्र का आवाहन करना है, तो ये एक तरीके से जिस भी देवी देवता की आप साधना कर रहे हैं उनके लिए एक पैरवी होती है कि मेरे इस साधना को आप सफल करवा दो, ठीक है। मंत्र छोटा सा है, विधान भी बहुत छोटा है। अभी तो क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है अभी मत करना, अगले महीना जो खाली मास है उसमें आप इस साधना को कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको 11 दिन तक आम की लकड़ी लानी है, ठीक है, और उसके बाद चौकोन अग्नि कुंड बनाना है जिसमें 11 तल्ला रहेगा, 11 लकड़ियां एक के ऊपर एक रखी रहेंगे, ऐसा चौकोर आप लोगों को बना लेना है, ठीक है। बीच में एक सूखे नारियल पर एक गुड़ का टुकड़ा और बहुत सारा कपूर दे करके उसको प्रज्वलित करना है, ठीक है, और उसको अग्नि के रूप में आप स्थापित करेंगे उस चौकोर हवन कुंड के बीच में, और उसको रखते समय आप इंद्रदेव का आह्वान करेंगे कि हे इंद्रदेव आप यहाँ पर आए, जितने देर मैं हवन कर रहा हूँ उतने देर आप इस भोग को ले, और ऐसा बोल के आप उसको अंदर रख देंगे और उसके बाद उसके ऊपर भी लकड़ी लगा देंगे ताकि पूरा जो हवन है वो प्रज्वलित हो जाए। जिनके 108 आहुति आपको घी की देनी है उस हवन में, ये आप 11 दिन तक करेंगे, कोई गिनती नहीं करनी है, सीधे हवन में आप आहुति देंगे
मंत्र है ओम लंग महेंद्राय नमः स्वाहा, ओम लंग महेंद्राय नमः स्वाहा, ओम लंग महेंद्राय नमः स्वाहा। ठीक है, ये जब आप 11 दिन तक इसको इस तरीके से आप कर लेंगे तो आपको इसको प्रयोग करने का ऑथराइजेशन मिल जाता है। एक बार ऑथराइजेशन मिल गया आपको तो जब भी आप किसी पुरुष शक्ति का आवाहन करेंगे तो इस मंत्र का 9 बार प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जब भी किसी आप अंबे शक्ति का आद्या शक्ति का जब आप आवाहन करेंगे तो इसका प्रयोग आप 7 बार करेंगे। मतलब कैसे प्रयोग करना है, आपने जाप किया एक मंत्र विधान का, उस मंत्र विधान में 108 बार जाप है, मान के चलो भगवती का जाप आप कर रहे हैं, तो ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे मैंने जाप कर लिया। उसके बाद क्योंकि अंबे शक्ति का है, ये आद्या शक्ति के स्वरूप का मैंने जाप किया है, तो उसके बाद 7 बार मैं फिर से एक हवन कुंड बनाऊंगा लकड़ी वैसे ही रख के, उसमें वैसे ही नारियल, और 7 बार मैं आहुति दूंगा ओम लंग महेंद्राय नमः स्वाहा करके। और मान के चलो कि मैं किसी देवता का आवाहन कर रहा हूँ, मान के चलो मैंने नरसिंह का आह्वान किया, उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलतांग सर्वतो मुखांग नरसिंहम भीष्णम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमामि हम स्वाहा, इसका मैंने 108 जाप कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम 9 बार इंद्रदेव को भोग देंगे घी से ओम लंग महेंद्राय नमः स्वाहा करके। इतना करने से जो अनसर्टेन रहते हैं कि मेरी साधना सफल होगी कि नहीं, या जिनको ऐसा लगता है कि तुरंत प्रभाव नहीं हो रहा है उनकी साधना का, उनको बहुत जल्दी में प्रभाव मिलता है। देखो 3 तरह के लोग, एक जो श्राप से पीड़ित हों, ठीक है, दूसरे जिनको जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाई या शिकस्त मिल रहा हो, जो बोलते हैं ना कि मैं अभी बहुत, मतलब ऐसा कोई बोलता है कि वो अभी बहुत सारे फ्रंट पर फेल हो रहा है, ऐसे लोगों के लिए ये साधना। और तीसरा व्यक्ति जो किसी की दृष्टिगोचर से प्रभावित हो और उसका काम आगे ना बढ़ा हो, ऐसे लोग इस साधना को सिर्फ जाप रूप में भी करेंगे तो उनको बहुत लाभ होगा। विशेष लाभ उनके लिए जो मोहिनी वशीकरण, ठीक है, जैसे सटकर्म करते हैं और ऐसे तांत्रिक क्रियाओं को करते हैं जिसे किसी और का तंत्र कटता हो, खुद के तंत्र को काटने में इस मंत्र से थोड़ा दिक्कत है क्योंकि उससे पहले भी फिर सांप विमोचन का पूरा विधान करना पड़ेगा। तो आप इस मंत्र को रट लें, बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम लंग महेंद्राय नमः स्वाहा, मतलब 5 अक्षर का मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र है, और जब जाप करेंगे तो स्वाहा हटा देंगे। ठीक है, इससे आप सभी को बहुत लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना करनी है, जिनको आसन बंधन दिशा बंधन सीखना है, अघोर में प्रवेश करने से पहले जो भी विधान होते हैं वो सीखना है, वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है, नंबर है 9431188585। इसमें आपको बहुत सारा विधान और मंत्र बताया जाएगा जो जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी हो सकता है। जिनको डायरेक्ट बात करना है वो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें rudranath@cm4 सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, उस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए www.aghortantrahasya.xyz या .com पर जाइए, वहाँ अपॉइंटमेंट सेक्शन है, आप वहाँ मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए नहीं, इंद्र भगवान आप सभी को सफलता दे, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।